जाते हैं। आज इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी जो आज झेलम लोन में चल रहा है, इस दौर में चल रहा है, जिस दौर में लोकतंत्र की एक अटैक चल रही है, इस दौर में चल रहा है जब एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेरेंस चल रहा है जेएनयूएसयू चुनाव में, लेकिन ये जेएनयूएसयू की लेगेसी की ताकत सिर्फ नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है कि ये आज फेस्टिवल यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं यहाँ से इस मंच से यहाँ के जो इलेक्शन कमिटी है उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ ये एक इलेक्शन कमीशन है हमारा जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं झुका है और तमाम रुकावट के बावजूद ये आज यहाँ पे इलेक्शन करवा रहा है। दोस्तों, मेरा नाम आयशी घोष है और मैं सेंटर फॉर इनर एशियन स्टडीज SIS की छात्र हूँ और इस जेएनयूएसयू चुनाव में सेंट्रल पैनल की प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार हूँ यूनाइटेड लेफ्ट पैनल के तरफ से। दोस्तों, ये सितंबर की महीना है जब ये चुनाव हो रहा है, ये सितंबर की वही महीना है जब भगत सिंह का जन्म हुआ था और भगत सिंह हमेशा से बताते हैं कि समाज में शोषण को खत्म करने के लिए, समाज में यहाँ पे शांति लाने के लिए शोषण को खत्म करने की जरूरत है। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तब हम सोशलिज्म की भी बात करते हैं, क्योंकि हम ऐसी एक व्यवस्था की बात करते हैं जहाँ पे इंसान और इंसानों के बीच में बराबरी हो। दोस्तों, ये समझने की जरूरत है कि आज ये सितंबर का महीना है और आज से 2 साल पहले गौरी लंकेश की हत्या की गई थी। दोस्तों, मैं यहाँ पे आके आज जब बोल रही हूँ, मैं गौरी लंकेश की उस आवाज को सल्यूट करती हूँ और गौरी लंकेश के साथ साथ कलबुर्गी, पंसारे, दबोलकर, सूरज बुखारी जैसे तमाम उस आवाज को सल्यूट करती हूँ जिसके वजह से आज वो लोग शहादत हुए लोकतंत्र को बचाते ही बचाते और उसके पक्ष में आवाज उठाते उठाते। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं किस तरीके से जो पूंजीवादी ताकत है, जो इंसान विरोधी ताकत है, वो अपना पकड़ बना रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से जो पूंजीवादी ताकत है वो अपने फायदे के लिए अमेज़न का जंगल जला रहे हैं। यही वो पूंजीवादी व्यवस्था है जो अपने चरम पर पहुंचे हैं और राइट विंग जो फोर्सेज है उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, चाहे वो ब्राजील में बोल्सोनारो हो, चाहे वो अमेरिका में ट्रंप हो, चाहे वो ब्रिटेन में जॉनसन हो, चाहे इस देश में ये लंपटों का गुरु 56 इंच का मोदी हो। दोस्तों, लेकिन यहां से मैं बताना चाहूंगी कि ये देश के मेहनतकश लोग हमेशा से इनको उखाड़ के लंपटों को फेंके हैं और आने वाले टाइम में भी फेंकेंगे। भगवा झंडी वाले से बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे आवाज को ऐसे करके दबा नहीं सकते। मैं बोलूंगी और मैं असर्ट करूंगी अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पे। इसके साथ बताना चाहूंगी बादशाह के साथियों को कि आप डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो प्लीज आप बैठ जाइए और शांति से इस डिबेट को चलने दीजिए। दोस्तों, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है, और जो चुनाव अंबानी और अदानी के पैसे से जीता जाए, जो चुनाव गोदी मीडिया, कम्युनल पोलराइजेशन और घिनौने झूठ और मक्कारी से जीता जाए उसको हम डेमोक्रेटिक नहीं बोलते। कहने के लिए तो ये गवर्नमेंट एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन ये सरकार अपना तानाशाही इस देश में शुरू कर चुके हैं। देखिए कैसे यूपीए जैसे बिल को, यूएपीए जैसे बिल को में बदलाव लाते हैं कि दो लोगों की आवाज को दबाया जाए, उनको टेररिस्ट घोषित किया जाए। देखिए किस तरीके से RTI जैसे बिल को डाइल्यूट करते हैं कि कल कोई उनसे सवाल ना पूछ पाए। देखिए किस तरीके से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स के बिल के नाम पे ये लोग जो ट्रांसजेंडर के लोग हैं उस कम्युनिटी पे किस तरीके से उनके राइट्स पे अटैक कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो सवाल से डरते हैं, ये वही लोग हैं जो डरते हैं कि आज हम लोग पूछ लेंगे कि इतने युवा इस झेलम लोन में हैं, इनका रोजगार कहाँ है। और AVVP से बोलना चाहती हूँ, जो प्लेसमेंट बोल के इस कैंपस में घूमते फिरते हो, अपने संगी झुंड में देख लो कितने बेरोजगार बैठे होंगे। आज मैं इस मंच से बोलना चाहती हूँ कि इनका जो सरकार है ये दंगलों का सरकार है, जब जब सत्ते में आया है दंगा करते हुए आया है और आज ये हमें आके राष्ट्रवाद के गीत गाते हैं। ये जब जब बेरोजगार इस देश
ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को देखिए, जो जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और उसके बाद MTNL और BSNL जैसे गवर्नमेंट संस्थाओं को नीलामी पे दे देते हैं। इसके बाद देखिए, हो सकता है कल, हो सकता है दोस्तों कल कि इस देश का नाम भी बदल के रिलायंस जियो इंडिया कर दिया जाए। और ये ऐसे लोग हैं जो अपने यारों दोस्तों नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या से हमारे सरकारी बैंक को लुटवाते हैं, उसके बाद इनका मन नहीं भरता है। मन नहीं भरने से मोदी खुद उतर जाता है मैदान में कि RBI का जो खजाना है उस पर डाका डालना है। तब भी जब इनका मन नहीं भरता है तब आज बोल रहे हैं जो बचे कुचे सरकारी बैंक है हमारे पास उनका अस्तित्व खत्म कर देते मर्जर के नाम पे। एक तरफ ये भारत माता की जय बोलते हैं, दूसरे तरफ देश को टुकड़ों में बांट के उसकी नीलामी कर रहे। एक तरफ ये हर एक भारत माता की जय बोलते हैं, एक तरफ ये 5 हवाई अड्डों को बेच के आ जाते हैं। मोदी का ये पूंजीवादी मानसिकता है जिसने आज कश्मीर के आवाम को किस तरीके से एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहाँ पे चल रहा है, देखिए किस तरीके से आर्टिकल 370 को खत्म किया जाता है और आर्टिकल 370 के रूप में जो संविधानिक वादा उन आवाम से किया गया था उसको धोखे से खत्म किया जाता है। मिसेज मन से कश्मीर में आवाम में लड़ रहे हो अपने हक के लिए लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ और उनके साथ सॉलिडरी में खड़ी रहती हूँ। यही लोग है जो मनुस्मृति को अपने गले में टांग के झूमते है, यही वो लोग है जब कश्मीर की बात आती है तब उन महिलाओं के ऊपर ये गंदी गंदी टिप्पणी करते हैं और यो गंदी गंदी टिप्पणी करने वालों में से इनके छोटे से छोटे नेता से लेके CM से डिप्टी CM शामिल हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट की मिसयूज कर रहे हैं। सिर्फ पार्लियामेंट की नहीं, आज किस तरीके से देखिए CBI से लेके RBI, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन से लेके जुडिशरी को दबाया जा रहा है। ये लोग वही संघी सरकार है जिनके अंडर में असम में 19 लाख से भी ज्यादा लोगों को रातों रात स्टेटलेस घोषित किया जाता है और इनको शर्म नहीं है। ये कम्युनल प्रोपेगेंडा इस देश में फैलाने की कोशिश करते हैं जिसमें एक्स प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार को भी बोला जाता है कि आप NRC लिस्ट से बाहर हो। ये लोग को शर्म नहीं है। इस देश में लिंचिंग किस तरीके से बढ़ रहा है हम भूले नहीं है। अखलाक को हम भूले नहीं है, जुनेद को हम भूले नहीं है, पहलू खान को और उन तमाम नामों को जो इनकी गंदी राजनीति के वजह से उनको मारा गया है। और इस देश में ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर का स्टंट करते हैं नाम लेने का। इनको बता देना चाहते हैं जब मैनुअल स्कैवेजिंग जैसे इनह्यूमन एक्टिविटीज पे आप लोग बैंक लगाते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ इन लोगों से ये बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पे एक भीम मैप खोल के लग देंगे लेकिन और पूरे देश में बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ते फिरेंगे। एक तरफ RSS के ये लोग है जो बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ते हैं, दूसरे तरफ ये अंग्रेजों के एजेंट यहाँ पे बैठे है इस कैंपस में जो सावरकर की मूर्ति लगा रहे हैं इस कैंपस में। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है। दोस्तों देश में ये हालात देख के शायद ही हमें लगे कि उम्मीद नहीं है लेकिन हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि जब अंधेरा होता है तभी मशाल जलाए जाते हैं, जुल्मतों के दौर में ही गीत गाए जाते हैं। और मैं कैसे कह दूं कि उम्मीद नहीं है जब इस देश में किसान नंगे पांव 5 दिन तक चलते हैं अपने आंदोलन को लेके। मैं कैसे कह दूं कि उम्मीद नहीं है जब इस देश के वंचित पिछड़े हुए तबके के लोग अपने हक के लिए सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं कैसे कह दूं कि उम्मीद नहीं है जब इस देश के महिलाएं युवा और छात्र अपने हक के लिए, मजदूर अपने हक के लिए इस गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इनके जो VC यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका हालत देखिए, वो किस तरीके से रोमिला थापर का CV मांग रहे हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। देखिए किस तरीके से वो एकेडमिक एक्सीलेंस पे किस तरीके से इस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर रहे हैं। जब से आए हैं सीट कट किए हैं, रिजर्वेशन कैटल किया है, GS कैश जैसे इंस्टीट्यूशन को खत्म किया है और ऐसा
16 सेक्सुअल हैरेसर को आज भी डिफेंड कर रहे हैं, जिनके ऊपर 8-8 सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस है। दोस्तों, इन लोगों को इस जेएनयू चुनाव से रिजेक्ट करने की जरूरत है और इस देश में से भी रिजेक्ट करने की जरूरत है। आप लोगों से यही दरखास्त है कि आप जेएनयू में ऐसा एक वॉइस चुनिए जो आपकी स्ट्रगल को आगे लेके जाए। जैसे जब इस प्रोस्पेक्टस का दाम 3600 रुपए हुआ था, ये जेएनयू द्वारा ली स्ट्रगल था। जब हंगर स्ट्राइक के द्वारा ये प्रशासन को झुकना पड़ा उस प्रोस्पेक्टस को कम करवाने के लिए, जब यहाँ पे सीट कट होता है, यूजीसी गैजेट को अप्लाई किया जाता है, तब यहाँ पे जेएनयू एक स्ट्रगल लीड करता है 2 साल तक, और उसके बाद वहां से ड्रैकोनियन लॉज को हटाया जाता है। उसके बाद इस कैंपस में अटेंडेंस जैसे सिस्टम को आज तक भी ये वाइस चांसलर नहीं रिड्यूस लागू कर पाया है, स्टूडेंट्स यूनिटी की वजह से और जेएनयू के स्ट्रगल के वजह से। आने वाले टाइम पे बहुत सारी लड़ाई है, बहुत सारी संघर्ष है। इस कैंपस को डिफरेंट एबल के लिए बैरियर फ्री एक कैंपस बनाना है। इस कैंपस में मेंटल हेल्थ की सपोर्ट की जरूरत है, जैसे हमने स्कूल में लाए है। इस कैंपस में इंजीनियरिंग और एमबीए स्टूडेंट्स की जो लाखों रुपए की फीस, उसको घटाने की जरूरत है। इस कैंपस में दामोदर में जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, उसको लाने की जरूरत है। इस कैंपस में जो हॉस्टल्स को बनवाया नहीं जा रहा है, और आज एनएसयूआरएबीवीपी में आपाधापी हो रही है कि हॉस्टल का फंड कौन लाया था, इसको रिजेक्ट करने की जरूरत है और हॉस्टल फॉर ऑल सबको बनाने की जरूरत है। आप एक मैंडेट से इस जेएनयू को चुनकर लाइए, और आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि आप एक जेएनयू को मैंडेट दीजिए जो स्ट्रगल की मैंडेट हो। इसके साथ मैं बात खत्म करना चाहूंगी। मेरा नाम आयशी घोष, प्रेसिडेंट के लिए साकेत मून वाइस प्रेसिडेंट। योर टाइम इज ओवर स्पीकर, प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर।